राम का वनवास प्रारंभ। सीता जी और मंत्री सुमंत्र सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें गंगा पार करनी थी। सभी ने गंगा में स्नान कर जल पिया और अपनी थकान मिटाई। निषाद राज गुह उनके आने की सूचना पाते ही स्वयं भाग आए। निषाद राज ने राम से घर चलने की विनती की, पर राम ने कहा कि पिता की आज्ञा से उन्हें 14 वर्ष मुनियों का वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार लेते हुए वन में ही बसना है, गांव के भीतर जाना उचित नहीं है। निषाद राज ने दुखी मन से फिर वही पेड़ के नीचे कुश और कोमल पत्तों से बिस्तर बनाया। पवित्र मीठे कोमल फलों को दोनों में भरकर जल रख दिया। राम ने वही पड़ाव डाला। अगले दिन राम ने सुमंत्र को समझा बुझा कर वापस महल भेज दिया। अगले दिन राम ने केवट से गंगा नदी पार कराने के लिए कहा। नदी पार जाकर सीता अपनी अंगूठी उतारकर केवट को उतराई देने लगी, पर उसने अस्वीकार कर केवल राम से आशीर्वाद मांगा। फिर प्रयाग होते हुए सभी भारद्वाज जी के आश्रम में गए।